हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए मैथ के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सके। साथ ही अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में ये सभी चैप्टर से आपके प्रश्न होंगे, एवरेज, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एसीएफ, प्रॉफिट लॉस और साथ ही कुछ एडवांस के मैथ भी होंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 8% वार्षिक रूप से दर पर 2 वर्ष का 5,000 रुपये मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा? तो यहाँ पर फॉर्मूला है PR² / 100 × 100 = CI - SI का अंतर यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर P है जो कि 5,000 है और R हो जाएगा 8% जो कि दर। तो यहाँ पर 64 / 100 × 100 = ये अंतर यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसको काटते हैं तो 2 × 0 = 2 × 0 = 50 से 2 × 64 तो यहाँ पर 32 है जो कि CI और SI का अंतर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में और सी और ए 16 दिनों में कर सकते हैं तो ए अकेले कार्य करते हुए इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले A + B का एक दिन का काम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8, B + C बराबर हो जाएगा 1/12 और C + A का हो जाएगा 1/16 दिन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2A + B + C बराबर 1/8 + 1/12 + 1/16। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 8, 12 और 16 का, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 48। तो 8 × 6 = 48 + 12 = 48 और 16 × 48 और यहाँ पर ये वाला जो 2 है ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो 6 × 4 = 10 = 13/96 ये निकल गया, तीनों का काम निकल गया यहाँ पर। और यहाँ पर पूछ रहा है कि अकेले कार्य को इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर बी और सी है जो कि 12 दिनों में पूरा करते हैं तो इसमें माइनस कर देंगे। यहाँ पर 96 - 1/12 तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 96। तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर हो जाएगा 12 × 8 = 96 तो 8 हो गया, तो बच गया यहाँ पर 5/96। तो ये हो गया एक दिन का काम। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा तो उल्टा कर देंगे तो 5/5 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 19.2। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का SCF और LCM यहाँ पर 11 और 693 है और एक संख्या है जो कि 77 है तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है LCM × SCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पर LCM दिया हुआ है 693 और SCF है 11 और पहली संख्या है 77 तो यहाँ पर दूसरी संख्या x मान लेते हैं। इसको काटते हैं तो 11 × 77 = 77, 7 × 7 = 63, 6 × 3 तो फिर से 7 × 63 तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या है वह है 99। ऑप्शन नंबर B सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 अंकों की संख्या 4x, 4y, 9, 6, 88 से विभाजित है तो x + 2y का मान क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले 88 को तोड़ेंगे, 11 × 8 = 88 तो 8 से विभाजित करने का नियम है कि अंतिम जो 3 संख्या है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 बैठाएंगे तो 196/8 तो 8 × 2 = 16, 3 × 36 तो 36 नहीं विभाजित होंगे 8 से। अब यहाँ पर बैठाएंगे 2 तो 296 8 से विभाजित करेंगे तो 8 × 3 = 24, फिर यहाँ पर 5 बज गया 56 तो 8 × 7 = 56 मतलब यहाँ पर विभाजित हो रहा है 8 से तो ये पूरी जो संख्या है वो 8 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 11 से,
तो यहाँ पर 11 से कटने का जो विभाजित करने का नियम है वह है कि ऑड को जोड़ना है और इवेन को जोड़कर घटाना है, तो आना चाहिए 11 या फिर 0। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑड को जोड़ते हैं तो 4 4 8 और 9 8 17 माइनस, यहाँ पर वाई के जगह पर 2 है तो 6 2 8 8, और यहाँ पर कुछ एक्स के जगह पर होगा कुछ मान, तो 0 तब आएगा जब यहाँ पर 9 जोड़ेंगे, तो 17 माइनस तो 17 बराबर 0 आ जाएगा। तो मतलब ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी और अब ये 88 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर x का मान आ गया 9 और y का मान 2। अब इस पर बैठाएंगे तो x प्लस 2y, तो x का मान है 9 प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 9 4 13, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा के साथ और उसके विपरीत एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की गति क्या होगा। तो यहाँ पर धारा के साथ में जैसे x प्लस वाई, यहाँ पर x हो गया नाव की चाल और y होगी धारा की चाल, तो x प्लस वाई बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत में नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको तो y y कट गया, तो यहाँ पर बच गया 2x बराबर 12 8 20, तो x बराबर हो गया यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर x माने थे किसका, नाव की चाल, और यहाँ पर y है जो कि धारा की चाल है, तो फर्स्ट इक्वेशन पर बैठाएंगे तो यहाँ पर x का मान हो गया 10, तो y बराबर 12 माइनस 10 तो हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो गया 2 सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष है, तो कक्षा में लड़कों की जो औसत आयु है वह है 16.4 वर्ष और लड़कियों की आयु है 15.4 वर्ष है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के अनुपात यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो बॉयज है वह है 16.4 और गर्ल्स का है 15.4, और जो टोटल है वह है 15.8, इसको क्रॉस में घटाना है, तो 15.4 से 15.8 गया तो कितना बच गया 0.4, और इसमें घटा देंगे तो बच जाएगा 0.6, तो पॉइंट का 10 हो गया, यहाँ पर पॉइंट का 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 10 कट गया, बच गया 4 और 6, तो इसको 2 से काटेंगे 2 और इसमें 3, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पर पावर 11 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 पर पावर 11 को सबसे पहले गुणा करेंगे कि इकाई अंक में कब 2 आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ पर इकाई अंक 5वां बार में आया 2, तो इससे एक कम लेना है 2 पर पावर 4, तो इसको देखना है 11 लाना है तो 2 पर पावर 4, अब अंतिम में बच गया 2 पर पावर 3, तो जो अंतिम में बचेगा उसको गुणा करके 5 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 बट्टा, इसको 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2p/(2p+1)=1/4 हो तो p+1/p का मान बताएं। तो इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8p/(p²-2p+1), इसको इधर ले आएंगे -2p को, तो 8p+2p/(p²+1), तो यहाँ पर हो जाएगा 10p/(p²+1), अब दोनों तरफ p से भागा देंगे तो नीचे p हो गया, इसके भी p हो गया प्लस p, तो यहाँ पर p कट गया, यहाँ पर भी पी पे पी कट गया, हमसे पूछ रहा था क्या p+1/p, तो यहाँ पर p+1/p बराबर हो गया आंसर 10, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंब वृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो ये आपका शंकु का फिगर है, ये हो गया हाइट, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, जिसको कि तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर एच निकालने के लिए इसको इससे घटा देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि एक त्रिभुज लिए, तो यहाँ पर आपका कर्ण हो गया कितना 10, आधार हो गया 6। तो इसको निकालने के लिए आपको इसमें इसको इससे माइनस करना है, तो इसका होता है फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एच स्क्वायर दिया हुआ है 10, तो 10 × 100 पी हो गया, यहाँ पर पी निकालना है, और बी हो गया यहाँ पर 6×6 = 36। तो पी स्क्वायर बराबर हो गया 100 − 36, तो पी स्क्वायर बराबर 64, तो पी बराबर हो गया 8। तो यहाँ पर जो ये हाइट हो गया, ये हो गया 8। अभी इस फार्मूला पे बैठाते हैं, तो 1/3 पाई का मान हो गया यहाँ पर 22/7 गुने आर का मान दिया हुआ है 6, तो 6×6 = 36 गुने एच हो गया 8। अब इसको काटते हैं, तो 3 से 12 मरते में कट गया। अब यहाँ पे कटेगा नहीं, तो ये तीनों को गुना कर देते हैं, तो आएगा यहाँ पर 2112/7। ये यहाँ पर पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर ए। इसको काटिएगा तो 301.71 सेंटीमीटर QI आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर है 3 है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर जो अंतर है 4% − 3% का जो अंतर है बराबर 1%, यहाँ पर 1% बराबर हो गया 3, तो क्रय मूल्य खुद में 100% होता है, तो 100% बराबर यहाँ पर 300 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।